क्वेश्चन नंबर 86 गाइस, देखिए क्या दिया हमारे पास। 86 जो हमारे पास लिखा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, आपको सॉल्व करना है। ये भी यहाँ पे मेथड लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा। तो मैं एक्स और वाई को अलग अलग करूँगा, तो ये एक्स डी वाई, ये माइनस वाई डी एक्स, दोनों अलग अलग हो गए गाइस। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये एक्स डी वाई, ये होगा वाई डी एक्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन वाई, ये होगा डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि एक्स को एक तरफ करो, वाई को एक तरफ करो। तो मैं यहाँ अलग अलग करूँ, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे गाइस आपका एल एन वाई आएगा, यहाँ पे एल एन एक्स आएगा। आपको पता होगा कि अगर एल एन सब कुछ टर्म में है तो आपको कांस्टेंट भी कैसे लेना चाहिए, एल एन ही लेना पड़ेगा। तो अगर नहीं लोगे एल एन तब भी आपका आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। तो अब एल एन की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो लॉग अगर सेम बेस के हैं, उनको अगर ऐड है तो उनको आप प्रोडक्ट में ले सकते हो। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहाँ पे एल एन वाई हो गया, यहाँ से हो गया एल एन एक्स वाई। अब ये देखो, यहाँ पे आप एंटी लॉग ले लो या कंपेयर कर लो, तो क्या आएगा, लॉग का नंबर या यहाँ पे लॉग का जो नंबर है दोनों इक्वल होगा, यानी वाई इज इक्वल टू कितना होगा, सी एक्स। तो इस हिसाब से जो गाइज आपका मैच करेगा आंसर, वो कितना होगा, वाई इज इक्वल टू सी एक्स। आई थिंक ये आपका गाइज ऑप्शन नंबर बी।